हेलो फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं हूं नवनीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो हमारे हमारे पास सोनी कैमरा है, सोनी वेनिस, उसके बारे में बात करेंगे। ये फुल फ्रेम 6K कैमरा है। इसमें हम बात करने वाले हैं आज हाई स्पीड के बारे में, जो FPS है, जो कैमरे को हाई स्पीड करते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि FPS हमारा कहाँ तक जा रहा है। एक तो हमारे हमारे साथ में ये होता है कि हमारे पास जो अलग से रिकॉर्डर लगा हुआ है, इस रिकॉर्डर के थ्रू हम हाई स्पीड ज़्यादा जा सकते हैं। अगर रिकॉर्डर नहीं लगाते हैं, रिकॉर्डर नहीं लगाए हैं, तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें हम 30 और 60 फ्रेम जा सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। और फिर जब रिकॉर्डर लगा देते हैं, रिकॉर्डर लगाने के बाद हमारे पास जो कोडेक्स होता है, वो कोडेक्स के थ्रू और 6K के जो सेंसर होते हैं, सेंसर साइज़ के साथ में हम कहाँ तक जा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले मेनू को पुश करके रखेंगे और 1 2 3 होल्ड मेनू फॉर 3 सेकेंड, और फिर उसके बाद आएंगे प्रोजेक्ट में। यहाँ पे देखिए सेकेंड मेनू है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, फिर बेसिक सेटिंग्स में जाएंगे। बेसिक सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ये इमेजर मोड। ठीक है, इमेजर मोड जो होता है हमारा रेजुलेशन होता है, कैमरे का रेजुलेशन होता है, जो कि अभी 6K 17:9 पे हम शूट कर रहे हैं। ठीक है, ये 17:9 हमारा अभी इस समय चल रहा है। ओके, अब हम देखेंगे, जैसे नॉर्मल हम जो शूटिंग करते हैं उसमें 17:9 ही रखते हैं या 16:9 रखते हैं, तो इसमें अभी जो सेंसर हमारा थोड़ा सा बड़ा है, तो हम थोड़ा सा अपने हिसाब से 17:9 रख लेते हैं। अभी देखिए हमारा जो FPS है वो 25 FPS है। यहाँ पे देखिए, ये सबसे बड़ी ध्यान देने वाली चीज़ है, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये ऐसी टिप्स है। देखिए यहाँ पे जो फिक्स लिखा हुआ है, जब ये फिक्स लिखा रहेगा तभी ये टाइम कोड चलेगा। यहाँ पे 25 पे भी फिक्स नहीं लिखा रहेगा, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल और फिक्स दो ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे आप जो हाई स्पीड करना है तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। जब भी आप जैसे यहाँ से XT या एरी का कोई भी शूट करते हैं, तो वहाँ पे दिखाता ना FPS दबाए और यहाँ से घुमा लिए, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल और फिक्स, इस ये बटन को क्लिक करना पड़ेगा। ये क्लिक करने से ही आपका जो ये कैमरा है वो हाई स्पीड मोड पे चला गया। ठीक है, सिर्फ इसको क्लिक करके भी अगर हम सेट करके छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिक्स जो लिखा था वो ख़त्म हो गया, TCR चलना बंद हो गया, ऑडियो आना बंद हो गई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को कि अगर आपको सिर्फ ये दबाए और अगर आपको कुछ नहीं करना है, तो वेरिएबल को फिक्स करें। फिक्स करने के बाद सेट करके वापस आएंगे, तभी ये फिक्स आएगा और यहाँ पे टाइम कोड चलेगा और ऑडियो आएगी। ठीक है, इसका एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अभी FPS से चलते हैं, जो हमारा हाई स्पीड चलते हैं। ये क्लिक किया, वेरिएबल पे गए। वेरिएबल पे जाने के बाद हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, हम नॉर्मल टाइम पे भी हम 72 FPS तक हम जा सकते हैं। हमारा कैमरा जो है आपके 6K 17:9 पे 72 फ्रेम तक जा रहा है। ठीक है, अभी इसके बाद अगर हमको और भी आगे जाना है, जैसे ये कैमरा हमारा है वो 110 तक जा सकता है, जो कि हमारे नॉर्मल इसी कार्ड पे XOCN XT है, उसकी उसी रेजुलेशन पे, हमारा उसी कोडेक्स पे हम शूट करते हुए हम इसको 110 तक शूट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैंने कर दिया कैंसिल, और हमें जाना पड़ेगा मेनू में। मेनू को 3 सेकेंड के लिए होल्ड पे रखना है और हमें जाना है फिर उसके बाद, ये देखिए प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बाद बेसिक सेटिंग्स। बेसिक सेटिंग्स के अंदर जाएंगे हम, आपको तो पहला ऑप्शन देता है इमेजर मोड। इमेजर मोड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारे रेजोल्यूशन मिल जाएंगे कैमरे के। यहाँ पे देखिए 6K 3:2 से मिला के और आपको 3.8K 16:9 तक आपको जाने को मिल जाएगा। तो जैसे नॉर्मली हम जो हमारा सेंसर साइज हमने लिया हुआ वो 17:9 लिया हुआ है। ठीक है, 17:9 पे हमारा जा रहा है 72 फ्रेम। तो हम कभी भी सेंसर साइज हम क्रॉप नहीं करना चाहते हैं, कोई भी क्रॉप नहीं करना चाहता है, तो उसके हिसाब से हम अगर नीचे आते हैं तो हमें फिर मिल जाएगा 4K 17:9। 5.7K है, 5.7K 16:9, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 72 फ्रेम ही रहेगा। अब आपको जाना है 4K 17:9 पे। 4K 17:9 पे जब हम करते हैं तो हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ से FPS भी दबाए, FPS क्लिक करने के बाद यहाँ से वेरिएबल की, वेरिएबल करने के बाद आपको दिखा देते हैं। ये जाएगा हमारा कैमरा 110 स्पीड तक। ठीक है, 110 FPS तक हमारा कैमरा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से हम 110 कर लिए, 110 करने के बाद हम शूट कर सकते हैं। और ये हाई स्पीड हो गया, ये इतना टाइम कोड आपका नहीं चलेगा, इस समय ऑडियो नहीं चलेगी। ठीक है, ये हम कर लेते हैं नॉर्मल। ये हमने
ये देखिए हमने इतना मतलब हमको बाहर आना है, तो नॉर्मल साइज जैसे ये 110 है, हम जस्ट क्लिक ऑन फिक्स, ये फिक्स हो गया, 25 FPS हो गया, यहाँ पे देखिए फिक्स हो गया, ये बाहर आ गए। आपको पूरा पूरा बैक नहीं आना है, अगर नॉर्मल फिर दोबारा वापस 110 पे ही जाना है तो एक बार में क्लिक किया आपने यहाँ पे आया और ओके कर दिया, या फिर अगर कम करना है तो यहाँ से कम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं बैक जाके फिर से आपको दिखाता हूँ, ये हम इस पर गए। अगर आप सेंसर इससे भी ज़्यादा आपको स्पीड चाहिए तो सेंसर साइज अगर हम क्रॉप करते हैं तो ये देखिए 3.8K 16:9 पे हम जब भी जाते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है। इस पे जाने के बाद भी हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, 110 आपका FPS आएगा, फ्रेम पर सेकंड 110 तक जा सकते हैं जो कि हाई स्पीड है। या मतलब अगर हम आप यहाँ से डाउन भी जाते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3.8K पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको मैक्सिमम 110 तक कैमरा देगा आपके R7 रिकॉर्डर के साथ, जो M रिकॉर्डर है उसके साथ में आपको मैक्सिमम 110 तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। वैसे अगर हम 6K 3:2 पे जाते हैं, ये भी हम चेक कर लेते हैं एक बारी, यहाँ पे जाएंगे, ये 60 फ्रेम तक जाएगा। ठीक है, अगर हमारा सेंसर 3:2 है उसमें 60 फ्रेम तक जाएगा। और फिर उसके बाद ये देखिए हमारा सेंसर जो है 6K 3:2 है उसमें हम 60 फ्रेम तक जा सकते हैं, और 6K 17:9 पे हम 72 फ्रेम तक जा सकते हैं, और 4K 17:9 पे 110 तक जा सकते हैं, और नीचे भी 110 तक ही जा सकते हैं। और वहीं पे अगर हम आपको दिखाते हैं, जैसे अगर आपके पास रिकॉर्डर नहीं है, रिकॉर्डर नहीं रहने की कंडीशन में, जैसे किसी किसी जो हमारा वेनिस आया हुआ है उसमें जिसमें रिकॉर्डर नहीं है उसमें आपको जाना पड़े, ये आपको कोडेक्स, आप ये जो हमारा ए एक्सेस जो रिकॉर्डर है वो हमें हमारा चलता नहीं, इसको मैंने कर दिया ऑफ़। ये ऑफ़ करने के बाद ये चेंजिंग हमारे कैमरे पे आ जाएगा, यहाँ से देखिए। अभी अभी ये देखिए ये क्या हुआ है, यहाँ पे हम जब भी 6K 3:2 पे जाते हैं तो अगर ये देखिए ये जो हमारा कैमरे का रिकॉर्डर है वो नहीं चलेगा, तो हमें आप अभी कम करना पड़ेगा थोड़ा सा, 6K 17:9 पे किए तो यहाँ पे देखिए S/S जो है जो कार्ड लगता है उस पर S/S कार्ड के साथ में ये रिकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ये XAVC 4K Classic 480 है और XAVC 4K Classic 300 है। ठीक है, तो अगर हम 480 पे करते हैं, ठीक है, 480 पे हम जाएंगे, मैक्सिमम जो FPS है वो 30 FPS तक जाएंगे, किस पे, 480 पे। ठीक है, ये देखिए अभी हम XAVC 4K है इस पे हम 60 फ्रेम तक जा सकते हैं, और वहीं अगर XAVC 4K 300 पे जाते हैं तो आपको दिखेगा ठीक है, यहाँ तक आप इसके थ्रू जा सकते हैं, जो हमारा नॉर्मल कैमरे का रिकॉर्ड जो हमारा कैमरे का कार्ड जो है उसके थ्रू हम सिर्फ 30 और 60 फ्रेम तक जा सकते हैं, 30 फ्रेम तक जा सकते हैं 480 में क्लासिक 480, और 300 पे जा सकते हैं 60 फ्रेम। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ऑफ। ये मेरा नॉर्मल रिकॉर्डिंग जो है वो XOCN XT है जो कि रिकॉर्डर के साथ में है, उसमें हमारा जाता है 72 फ्रेम तक। दोस्तों ये वीडियो थी हमारी हाई स्पीड को लेके, जो कैमरे में कितना हाई स्पीड जा सकते हैं उसको लेके वीडियो थी। आपको अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा हुआ है तो 100% आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और थोड़ा भी अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक कर दें और लोगों में शेयर करें, जिससे कि लोगों का भी नॉलेज बढ़े, आपके दोस्तों का नॉलेज बढ़े, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।